सही है भाई, सही है, बस स्नोफॉल है ये रोहतांग की। शूटिंग चल रही है तमिल की। अंकल किस चीज़ की शूटिंग हो रही है? सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन अनदर ब्लॉग। एंड अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 और बाहर पूरा अंधेरा है। एंड आज का प्लान हमारा रोहतांग पास जाने का है। बट गाइस, उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। दिस इज़ एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, देयरफॉर इफ़ यू आर अ क्लैट एस्पिरेंट यू कैन जॉइन देयर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। बट अपार्ट फ्रॉम दिस दे यूज टू कंडक्ट मॉक टेस्ट ऑल्सो। दिस टाइम दे आर गोइंग टू कंडक्ट एन ऑल इंडिया क्लैट मॉक टेस्ट ऑन द 19th of December 2021, वेयर यू कैन विन अ प्राइज ऑफ एप्पल आईपैड मिनी और अमेजन वाउचर वर्थ 10,000 rupees एंड मैनी अदर प्राइजेस ऑल्सो। सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर? क्लिक ऑन द लिंक मैंसन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एंड पार्टिसिपेट इन द मॉक टेस्ट विच विल डेफिनेटली हेल्प टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ऑन योर फाइनल डे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसलिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस तो होगी, साथ ही साथ आपकी परफॉर्मेंस भी पता लगेगी कि एज़ कम्पेयर टू अदर्स आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर क्लैट एस्पिरेंट, अन अकेडमी ऑल इंडिया क्लैट मॉक टेस्ट इज बेस्ट टू रजिस्टर। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माई कूपन कोड विच इज़ barrister10 एंड इट इज़ ऑल्सो mentioned इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो विच विल गिव यू एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन एनी परचेज। उसके अलावा आप इनके सुपर अचीवर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 6 month में आपको पूरी क्लैट की प्रिपरेशन कराएगा। इफ़ यू आर गोइंग टू टेक क्लैट इन 2023, सो आप इनका सक्सेस लॉ नाम का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 17th of December को स्टार्ट होने वाला है। सो क्लिक ऑन द लिंक mentioned इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू। सो गाइस, अटल टनल पहुंच गए हम लोग और फोटो वोटो क्लिक करते हैं अभी यहाँ पे। देखो भाई देखो, बादल कितने शानदार लग रहे हैं यार, मतलब मजा आ गया भाई। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste.
भाई ये खड़ी है हमारी ट्रैवलर जिससे हम आए, और ठंडी बहुत ज्यादा है यार। भाई चलो कुछ खाए हुए क्या खाना है? परेशान नहीं हुए तुम लोग मेरे से अब तक? अरे केसरिया ये भाई ले ले। परेशान नहीं हुए तुम लोग मेरे से अभी तक? वीडियो डालेंगे तो परेशान हुए। हाँ जब परेशान हो गए भाई, बड़े मुश्किल से छाता मिला है, और यहाँ का तो अलग ही एक्सपीरियंस है यार। पूरा पूरा पीछे देखो, स्नो ही स्नो है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से, ये छोटे छोटे ढाबे हैं यहाँ पे। मैगी आएगी, पराठा हमने ऑर्डर किया अभी, और मैगी भी किया। ये शूटिंग चल रही है, पूछते हैं रुको किसी से किस चीज़ की शूटिंग चल रही है। अंकल किस चीज की शूटिंग हो रही है? तमिल तमिल है, कोई तमिल मूवी है। अलग ही एक्सपीरियंस है यार यहाँ का तो। एक्चुअली कल ये स्नो स्टार्ट हुई है, इसके पहले यहाँ पे बिल्कुल भी स्नो ना, बिल्कुल भी स्नो नहीं थी और ना ही पानी था, बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्रीजिंग जैसा है भाई। हाथ देखो बिल्कुल है ना जम रहे हैं। मैगी नहीं आई अभी, ओ आ गई, थैंक यू। कदा मूवी की शूटिंग हो रही है कौन सी की? तमिल मूवी है। अच्छा तमिल देख के आना मैं अभी। मिस कर देते नहीं, मैगी हो रही पीछे देखते रहे। वही तो फोटो भाई, पराठे वगैरह खा लिए हैं यार। ऐसा ही लगता स्मोक हो रही होने लगी भाई, हल्की हल्की स्मोक होने लगी। अभी वहां दूर देख, और दूर देख, और दूर देख वहां। हाँ सही है भाई, सही है, बस स्नो बॉल है ये रोहतांग की। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अबे वो गाना सुना, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, वही डालूंगा मैं। चल खींच ले फोटो फाटो भाई, फोटो फाटो फोटो फाटो नहीं खींचना भाई। आगे आना, आगे खींच रहे। आगे नहीं होता चूती, आगे होता है आगे। साले मेरे से बोलोगे we'll be right back.
आज सच में जम गए यार अब तो। अभी तक तो मैं बस बोल ही रहा था कि इट्स ऑलमोस्ट फ्रीजिंग अब भाई, अब सच में फ्रीजिंग है। शूटिंग चल रही है तमिल की। क्या कैसा मुंह हो रहा है भाई, लाल लाल हो रहा है सबका। टच करा देना रेलिंग में, रेलिंग में ऐसे कुछ भी कुछ भी। लेकिन तुम ये जान लो, इंतजार हुआ था भाई। सोलांग वैली पहुंचे हम लोग और मैं तो नहीं जा रहा हूं नीचे क्योंकि स्नोफॉल में भाई पूरा गीला हो चुका हूं, बहुत ठंडी लग रही है। कुछ लोग गए नीचे, सो वो लोग आ गए, फिर निकलते हैं यहां से।